हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इन दिस रिएक्शन जो हमारा एल्कीन है उसका एडिशन किया जा रहा है HBr के साथ, तो अपने से बोला है द ब्रोमो डेरिवेटिव दैट मे बी फॉर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ एल्ड एज। तो देखिए, एक्चुअली दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन। तो अगर हम इस रिएक्शन में बात करें तो इन फर्स्ट स्टेप HBr विल डिसोसिएट इनटू H++Br। जो एच बी आर मॉलिक्यूल है हमारा, उसका हिड्रोलिटिक क्लीवेज होता है, तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है दैट इज एच प्लस, और जो न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होता है दैट इज वी आर माइनस। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक प्लेस। अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो अपने पास है यहाँ पे एल्कीन, और एल्कीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक होता है, तो हमारे पास यहां पे बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, दिस इज 2 डिग्री कार्बन। और अगर मैं यहां पे अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन विद 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अब देखिए, कार्बोकेटाइन बन रहा है तो मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ पे माइग्रेट करा दूँ, क्या इसके माइग्रेट करने से जो कार्बोकेटाइन हमें मिलने वाला है, क्या इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, अपने को चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको बोले दिस इज 1,2-हाइड्राइड, इसको बोला जाएगा 1,2-हाइड्राइड, तो 1,2-हाइड्राइड जैसे ही होता है ये बन जाएगा अपने पास दिस वन। तो ये आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, आ गया इधर, और जो हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट करा इधर आ गया। अब अगर ऊपर वाले कार्बोकेटाइन और इस कार्बोकेटाइन को कंपेयर करें जो माइग्रेशन के बाद अपने पास बना, दिस इज 3 डिग्री कार्बन। पहली बार देखो, एक इधर कार्बन, दूसरा इधर कार्बन, तो 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। सेकेंड हम बात करें इसमें अल्फा हाइड्रोजन की, तो एक अल्फा हाइड्रोजन इधर और 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गए अपने पास 5। पहली चीज, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और सेकेंड, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, और जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो यहां पे अगर हम लिखें दी मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, मोर इज द हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर एंड मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अगर कहीं पे कार्बोकेटाइन के केस में कोई इंटरमीडिएट बनता है तो अपने को देखना है रीअरेंज करके कि क्या उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास कार्बोकेटाइन बन गया यहाँ पे मोर स्टेबल, तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म फ्रॉम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ये बात भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये बात भी हमने लिख ली।
तो क्या होगा लास्ट स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एंड हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे दैट इज वी अनएक्टिव, इसने यहाँ पे अटैक करा तो अपने पास बन गया इधर, अपने पास बन गया इधर दिस वे। तो ये हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट करें, अगर हम यहाँ देखो, अब इस रिएक्शन में हमारे से मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछा है, ठीक है। इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो ये वाला प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट है ये बनने वाला है इधर, ठीक है। बाकी ये वाला जो है, अगर हमारा एच इधर ऐड हो तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, तो बी आर इधर भी बन सकता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप भी गिवन है, तो ये वाला तो नहीं बन सकता है, ये वाला भी नहीं बन सकता है। अगर हम मेजर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। अगर मेजर प्रोडक्ट की हम बात करें यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी। थैंक यू।